पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने लिखा सीएम को पत्र और प्रदेश संयोजक हुकुम सिंह शेखावत ने उठाई अहम मांग। पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट कम करने का कैबिनेट में हो फैसला, पड़ोसी राज्यों के मुकाबले वैट अधिक होने से कारोबार हुआ। चौपट और गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर सहित 10 जिलों में बिक्री पर असर पड़ा है। वैट कम करने से अन्य राज्यों से कीमतों में अंतर आएगा रह जाएगा और ऐसे में इन जो जिले हैं यहाँ पर भी हालत में सुधार होगा, चूंकि सबसे ज्यादा महंगा जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमत श्रीगंगानगर में होती है, वहां के लोगों की भी बातों को रखा गया, इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा गया है कि वैट कम करने को लेकर जब कैबिनेट की बैठक होगी उसमें फैसला लिया जाए ताकि राजस्थान की जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी इससे राहत मिल पाए और व्यापार करना सुगम हो। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आज गहलोत कैबिनेट की बैठक होने वाली है और आपको बता दें कि अंकित इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। अंकित, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कहा गया है पत्र में? देखिए, राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने मांग उठाई है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें केंद्र सरकार के धनराशि घटाने के साथ ही कीमतें कम हो गई है, ऐसे में राजस्थान सरकार भी कुछ राहत दे ताकि जो पड़ोसी राज्यों में वैट का नुकसान हो रहा है वो राजस्थान के डीलर्स को नहीं हो। खासतौर पर उन्होंने जो राज्य हैं उनके आधार पर बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो सीमावर्ती जिले हैं जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सिरोही, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, सीकर आते हैं, वहां के जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं वो मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए हैं, ऐसे में राहत दी जाए। प्रदेश संयोजक हुकुम सिंह शेखावत ने पत्र लिखा है, उन्होंने मांग की है कि कैबिनेट की बैठक में इस पर विचार किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। कीमतों में काफी अंतर है, पड़ोसी राज्यों की तुलना में बात करें तो फिलहाल 10 रुपए से लेकर 16 से 17 रुपए तक का अंतर पेट्रोल और डीजल कीमतों में आ रहा है। केंद्र सरकार ने घटाया उसके बाद से लगातार राज्य सरकार पर भी दबाव बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि केंद्र की ओर से चार्ज घटाए जाने के बाद से राज्य पर स्वतः ही वैट का भार कम हो गया है। हालांकि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन लगातार इस मांग को उठा रही है और एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है ताकि कैबिनेट की बैठक में इस पर डिसीजन हो और पड़ोसी राज्यों से वैट से जो पेट्रोलियम डीलर्स पीड़ित हैं उन्हें राहत मिल सके। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बाड़मेर जिले के